चलिए आज हम समझते हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही फेमस चैप्टर मांसपेशी के बारे में कि आखिर मांसपेशी क्या होती है। और आज की क्लास में हम ये भी जानेंगे कि फेस पे डिंपल क्यों पड़ जाते हैं और जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं वो कपिंग थेरेपी क्यों कराते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम मांसपेशी से कि मांसपेशी आखिर क्या होती है और इसका काम क्या होता है। तो मांसपेशी हमारे शरीर में पाई जाती है और इसका काम होता है हमारे शरीर का आकार डिसाइड करना। अब आपको लग ये रहा होगा कि हमारे शरीर का आकार डिसाइड करने का काम तो स्केलेटन यानी हड्डी का होता है, तो ये बात कुछ हद तक तो सही है कि ये काम हड्डी का ही होता है। लेकिन अगर हम हड्डी के ऊपर मांस को ले जा करके नहीं लगाएंगे तो जितनी भी हड्डियां हैं वो एक दूसरे को छोड़ करके और दूर कहीं हट जाएंगी। ठीक जैसे आप नॉर्मल समझिए, तो आप जब घर बनते हुए देखे होंगे तो घर सबसे पहले कैसे बनता है, तो ईंटों से बना हुआ होता है। बाद में उसके ऊपर क्या किया जाता है, तो प्लास्टर कर दिया जाता है। सेम वही काम भगवान ने हमारे शरीर के ऊपर भी किया हुआ है। स्टार्टिंग में हमारा भगवान ने स्ट्रक्चर बना दिया है हड्डी से, लेकिन उस हड्डी को प्रोटेक्शन देने के लिए ऊपर से क्या लगाया है, तो ऊपर से मांस लगाया है। अगर ये मांस नहीं लगाया जाएगा तो हड्डियां क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। जिस तरह से ईंट के ऊपर से यदि हम प्लास्टर नहीं करेंगे तो ईंट क्या हो जाता है, निकलना चालू हो जाता है, उसी तरह से भगवान ने भी हमारे शरीर पर क्या लगाया है, तो मांस लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके आगे समझते हैं कि आखिर इस मांस का काम क्या होता है। तो इस मांस का काम हो शरीर को गति प्रदान करना। अब ये शरीर को गति किस हिसाब से प्रदान करेगा, तो इसमें एक गुण होता है सिकुड़ने और फैलने का। सिकुड़ने और फैलने से क्या होता है कि ये मूवमेंट करा देता है। जैसे अभी हम आपको स्टूडियो से पढ़ा रहे हैं, फिर कल सुबह क्या होगा, तो कल सुबह हम क्लासरूम में जाकर के पढ़ाएंगे। तो इस स्टूडियो से और क्लासरूम में जाने के लिए हमको कुछ ना कुछ गति करना पड़ेगा, तो उस गति को करने के लिए सबसे ज्यादा मदद कौन करेगा, तो यही मांसपेशियां करेंगी। अब बात यह आती है कि आखिर यह पाया कहां जाता है, तो यह हमारे स्किन के ठीक नीचे, मतलब यह जो हमारा स्किन है यानी त्वचा है, इसके ठीक नीचे रहेगा मांस और बोन्स के ऊपर रहेगा मांस। तो बोन्स के ऊपर और स्किन के ये ठीक नीचे हो जाएगा। अब बात ये आती है कि आखिर ये शरीर में कितने परसेंट होगा, तो ये शरीर में ऑन एन एवरेज 40-45% के बीच में होता है। अब ये वैरी कर जाता है अलग अलग इंसानों के शरीर के हिसाब से। जैसे आप हमारा शरीर देखेंगे तो ये पतला दुबला दिख रहा है, तो इसमें मांस की मात्रा कम होगी। लेकिन अभी वहीं पर अगर आप कंपेयर करेंगे खली से हमारे शरीर की, तो खली में मांस हमसे ज्यादा होगा। तो जो इंसान मोटा होगा उसमें मांस भी ज्यादा होता है। आगे समझते हैं मांस में आखिर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो मांस में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें मायोसिन प्रोटीन की मात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है, जिससे क्या होता है कि उसकी मांस धीरे धीरे डेवलप करती है। आप देखे होंगे कि जब कोई भी बच्चा स्टार्टिंग में पैदा होता है तो उसकी जो स्किन रहती है वो काफी सिकुड़ी हुई रहती है, बाद में इसमें मायोसिन प्रोटीन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और वो बच्चे का स्किन बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। तो अगर मायोसिन प्रोटीन का विकास अच्छे से होगा तो जो बच्चे की मांसपेशियां होंगी वो बहुत ही अच्छी तरह से विकसित हो जाएगी। और अगर इसी मायोसिन प्रोटीन का विकास अच्छे से नहीं होगा तो शरीर पे गड्ढे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सबसे फेमस गड्ढा चेहरे के ऊपर का होता है, जिसको हम लोग डिंपल के नाम से भी जानते हैं। तो लोग ऐसा कहते हैं कि जिसके फेस पे डिंपल पड़ जाते हैं वो काफी ज्यादा सुंदर होता है। ऐसा सिर्फ कहावतों में अच्छा लगता है, सच्चाई में ये कुछ भी नहीं होता है। अब बात ये आती है कि आखिर हमारे शरीर में टोटल संख्या में कितने मांसपेशियां होती हैं? तो अगर हम पूरे अपने ओवरऑल शरीर की बात करेंगे तो हमारे पूरे शरीर में 639 मांसपेशियां होती हैं। अब ध्यान से समझिए आप, अगर 639 मांसपेशियां हैं तो उसमें कुछ मांसपेशियां बड़ी होंगी, कुछ छोटी भी हो सकती है और कुछ लंबी भी हो सकती है। तो पहले हम इसी को आराम से कैटेगराइज कर देते हैं। तो इसको अगर आप फ्लो चार्ट से समझेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी कि आखिर हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कहाँ की होती है और उसका क्या नाम होता है। तो उस मांसपेशी को हम लोग ग्लूटिमस मैक्सिमस कहते हैं। ये कहाँ पे होती है, तो ये कूल्हे की मांसपेशी होती है। कूल्हे की मांसपेशी वही मांसपेशी होती है जहां पे डॉक्टर हमारे बचपन में या कभी भी किसी भी उम्र में इंजेक्शन लगाने का काम करता है। हालांकि यही ग्लूटिमस मैक्सिमस पे जितने भी दोस्त होते हैं वो बर्थडे पे मतलब गिफ्ट देने का भी काम इसी ग्लूटिमस मैक्सिमस नामक मांसपेशी पे करते हैं। फिर सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी मांसपेशी हमारे कान की स्टैपिड्स होती है। हमारे कान में सबसे छोटी हड्डी होती है, उसी पे छोटा सा मांस लगा होता है,
जिसको हम लोग स्टैपिड्स कहते हैं। और फिर उसके बाद में देख लेते हैं कि आखिर सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है। तो सबसे लंबी मांसपेशी हमारे जांग की सार्टोरिस होती है। जांग की हड्डी हालांकि सबसे लंबी होती है, उस तो अगर हड्डी सबसे ज्यादा लंबी है तो उस पे लगने वाला मांस भी तो सबसे ज्यादा लंबा होगा। तो सबसे लंबा मांस अगर पूछेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, सार्टोरिस। कहां होती है, तो हमारे जांग पे होती है। तो अब इन 639 मांसपेशियों को हम तीन भागों में कैटेगराइज कर देते हैं। सबसे पहला हिस्सा हो जाता है ऐच्छिक मांसपेशी यानी वॉलेंट्री मसल। तो हमारे शरीर में वैसी मांसपेशियां जो हमारे इच्छा अनुसार काम करती है उसे हम लोग वॉलेंट्री मसल कहते हैं। वॉलेंट्री मसल आखिर हमारे इच्छा अनुसार काम इसलिए कर जाती है क्योंकि ये डायरेक्ट बोन के टच में होता है। बोन के टच में होने से फायदा ये हो जाता है कि हम जो भी चाहेंगे वो हमारे कमांड के हिसाब से ही काम करेगा। जैसे हमारे हाथ के ऊपर मांस लगा होगा, अब हम अपने हाथ को जिस हिसाब से चाहे मूव करा सकते हैं। हमारा मन है तो इस बोर्ड पे हम इसी हाथ से लिख रहे हैं, अगर हमारा मन होगा तो इसी हाथ से अभी जा करके खाना खाएंगे, अगर हमारा मन होगा तो इसी हाथ से हम किसी को दो झापड़ मार भी सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी इच्छा अनुसार काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ऐच्छिक मांसपेशी हो जाएगी। ऐच्छिक मांसपेशी की खासियत क्या हो गई, तो ये बोन से टच में होती है। अब ध्यान से समझिए, बोन से टच में होने के कारण ये काम तो हमारे हिसाब से कर लेता है, लेकिन ये क्या हो जाता है कि कुछ समय काम करने के बाद में थक जाती है, और थक जाने के बाद में इसमें दर्द चालू हो जाता है। मांसपेशियों में जो थकान या दर्द होता है ये लैक्टिक एसिड के कारण हो जाता है। जब कभी भी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो वहां की मांसपेशियों में दर्द देखने को मिलता है, या कि तो फिर वहां पे थकान हो जाती है। और जब ये दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग क्रैम्प के नाम से जानते हैं। अक्सर आप स्पोर्ट्स में देखे होंगे या क्रिकेट में देखे होंगे कि कुछ समय के बाद में जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके पैरों में या हाथों में क्रैम्प आ जाते हैं, जिस वजह से वो लोग रिटायर हर्ट होकर के और ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं। तो इस लैक्टिक एसिड को दूर करने के लिए एक तरीका यूज होता है जिसको हम लोग कपिंग थेरेपी के नाम से जानते हैं। कपिंग थेरेपी में होता क्या है, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो हमारा मांस होता है वो स्किन और बोन के बीच में होता है। मतलब जो हमारा स्किन होगा और इसके नीचे क्या होगा, तो मांस होगा, और मांस के नीचे क्या होता है, तो बोन होता है। तो स्किन और जो मांस है उसके बीच में हमारी ये जो खून बहने वाली नलियां हैं ये प्रवाहित होती हैं। तो जब कभी भी इन्हीं खून का प्रवाह कम हो जाता है, यानी मांस जो है वो प्रेशर लगाने लग जाता है त्वचा के ऊपर, तो जितनी भी नली में बहने वाला खून है वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है। उसके अंदर के जो मिनरल्स होते हैं वो अच्छे से जा नहीं पाते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है कि क्रैम्प आना चालू हो जाता है। तो उसके कारण क्या किया जाता है कि इन दोनों परतों को हम दूर करते हैं। क्या करते हैं कि प्रेशर लगा करके, और हम क्या करते हैं कि इसको खींचते हैं, जिस वजह से क्या हो जाए, तो स्पेस बन जाए और खून अच्छे से फ्लो करना चालू कर दे। इसी को हम लोग कपिंग थेरेपी कहते हैं। तो कपिंग थेरेपी से क्या होता है, लैक्टिक एसिड नॉर्मल हो जाता है। अब आगे समझते हैं अनैच्छिक यानी इनवॉलेंट्री मसल के बारे में कि आखिर इनवॉलेंट्री मसल क्या होता है। तो इनवॉलेंट्री मसल वैसी मसल को हम लोग कहते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। इसका जब मन अपने हिसाब से काम करेगा, ये हमारे अनुसार काम नहीं करेगा। ये क्या बोन के टच में होगा, तो ये बोन के टच में नहीं होता है, ये डायरेक्ट मसल के टच में होता है। तो इससे फायदा ये हो जाता है कि ये दिन रात बिना थके हुए 24 घंटे काम करता है। जैसे हमारी किडनी बिना थके हुए काम कर रही है, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी की किडनी बोल रही हो कि हम बहुत थक गए हैं काम करते हुए, अब हम काम नहीं करेंगे, या किसी का लीवर थक गया हो काम करते हुए? तो इस तरह नहीं होता है। तो अनैच्छिक मांसपेशियां काम में क्या होती है कि कभी भी थकती नहीं है। अब उसके बाद एक और मांसपेशी होती है, हृदयक मांसपेशी। हालांकि देखा जाए तो ध्यान से तो हृदयक मांसपेशी भी अनैच्छिक मांसपेशी की तरह ही होती है, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है ना, ये बहुत ज्यादा फिक्स होती है। कैसे फिक्स होती है, तो आपको भी पता है कि जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो ये एक फिक्स स्पीड से बराबर धड़कता चला जाता है। तो ये मेन तीन टाइप हो गए मांसपेशियों के। अब इसमें एक दो क्वेश्चन और पूछता है कि लिगामेंट क्या होता है, टेंडम क्या होता है, सेलेक्सोर क्या होता है। तो आपको हम बता चुके हैं कि वॉलेंट्री मसल यानी ऐच्छिक मांसपेशी जो होती है वो बोन से टच में होती है। तो जब कभी भी बोन जा करके कनेक्ट होता है मसल से, तो उस ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी ज्वाइंट को हम लोग टेंडम के नाम से जानते हैं। जबकि आपको लिगामेंट हम
इसके बाद वाली क्लास में बताएंगे जब आपको बोन्स पढ़ाएंगे कि लिगामेंट क्या होता है, और जब कभी भी मसल आपस में कनेक्ट होते हैं तो इस जॉइंट को हम लोग सेलेक्सोर कहते हैं। तो ये दो चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिगामेंट, टेंडम और सेलेक्सोर क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद किसी नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको दे दिया जाएगा जिससे आप अपनी पढ़ाई को दिन दुगुना और रात चौगुना आगे बढ़ा सके।